नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बड़ी तस्करी में। बता दें, यहां पर हाथी के दो दांतों की तस्करी के मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें, दोनों की पहचान मोहम्मद रफी इब्राहिम सैयद 41 साल और कृषि नगर इन तमिलनाडु का रहने वाला है। दूसरा है रहीम बादशाह खान 35 साल जो अंधेरी मुंबई का रहने वाला है। बता दें, ये घटना घटी है थाने डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर इंस्पेक्टर विकास गोडके ने बताया कि दो दांत पाए गए हैं जिनका वजन लगभग 4 किलो के करीब बताया जा रहा है। जी हाँ, ईच एक दांत की जो वजन है वो 2 किलो के ही है और दो दांत पाए गए जिनका कुल वजन 4 किलो के करीब बताया जा रहा है और जिनकी मार्केट में कुल वैल्यू 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपए के पास आके गई है। तो ऐसे लोग गिरफ्तारी की गई, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है थाने क्राइम वॉच यूनिट 5 ने।